अनविथ स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का डेट है 17 जून 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम यू के इंटरडेट ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन हमें पहले दिखाई दिया और उसके चलते हमने किस तरीके के जो शॉर्ट ट्रेड है उनका सेटअप किया अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये यू का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पे जो प्राइस एक्शन आ रहा है सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अगर मैं इस लो को और इस लो को कनेक्ट कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेली ट्रेंड था ये ब्रेक हो चुका है और शॉर्ट टर्म बे, बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस एक करेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है यहां पर देखिए एक हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बट उसके बाद यहाँ पे बुलिश इन का जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ उसके बाद भी प्राइस यहाँ पर हमें अपसाइड ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे ये जो प्राइस है 862 हंड्रेड सिक्सटी टू यहाँ पर एक रजिस्टर है और कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा एक जो है कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अब चलेंगे हम हाँ इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स इंट्राडे टाइम फ्रेम पे फाइव मिनट के चार्ट पे फाइव मिनट के चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी मैंने इस डेली चार्ट पे ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ये एक डिमांड जोन एरिया है जो कि डेली डिमांड जोन है और आपने देखा कि प्राइस जब इस डिमांड जोन में आया तो 815 से एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिली और ये जो रेड कलर का रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है और इस सप्लाई को हम और एक तरीके से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को अवरडली चार्ट पे लेकर चलूंगा आपको और अवर्ली चार्ट पे एक प्राइस एक्शन एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अवर्ली चार्ट है और अवर्ली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जहाँ पे अभी मैंने एक जो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो इस लाइन को अगर आप गौर से देखेंगे तो जब प्राइस अपसाइड मूव कर रहा था 843 का हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला ये फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट की तरह वर्क किया फिर प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे फो एट पे सपोर्ट लिया फिर से प्राइस अपने एक नए रजिस्टर पे जाके टेस्ट करके फिर से नीचे आया बट सेकेंड अटैम्प में जब ये रजिस्टर ब्रेक सॉरी सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तो फिर से प्राइस अपने इस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में एंटर हुआ यहाँ से फिर से बाइंग प्रेशर आती प्राइस ने अपने इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पे निगोशिएशन करना का पड़ा प्राइस के साथ और फिर जाके कहीं एक आवरली बेसिस पे हमें इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स फाइव मिनट के चार्ट पे और फाइव मिनट के चार्ट पे आज देखेंगे कि आज का हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनको आज के इसमें हमने ट्रेड सेटअप दिया था अल्ट्रा इंट्राडे ट्रेड सेटअप यानी बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूपीएल का अगर स्टॉक 845 से लेकर 850 के आसपास ट्रेड करता है तो हम 855 के स्टॉप लॉस के साथ में 828 का टारगेट रखेंगे तो ये एक थोरॉटिकल सेटअप था अब देखते हैं हम कि प्रैक्टिकल में हमें किस तरीके के यहाँ पर जो प्राइस एक्शन वो देखने को मिले अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये फाइव मिनट का चार्ट है और आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या अगर नाइन फिफ्टीन का फर्स्ट फाइव मिनट का कैंडल देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद प्राइस ने फिर से सेकेंड एक बुलिश कैंडल बना बट जैसे ही ये अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई में आया 848 पे और हमने बाइंग के लिए अगर आप देखेंगे तो बाइंग के लिए जो रेंज दिया था वो यहाँ पर 845 से लेके 850 का रेंज दिया था जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बट यहाँ पर फाइव मिनट के चार्ट में कोई भी इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हुआ जो हमें रिप्रेजेंट करे या वैलिडेट करे कि यहाँ पर अब हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि अगर इस कैंडल पे या इस ओनली ये जो फाइव मिनट का कैंडल यहाँ पे बेरिश कैंडल बना इस पर अगर हमने ट्रेड इनिशिएट लिया होता तो यहाँ पर ट्रेड में रिक्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और हमारी एंट्री लगभग यहाँ पर हो जाती फोर सॉरी एट पे और स्टॉप लॉस है एट का तो टेन रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो रहा था और जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा था क्योंकि थियोरटिकल में जो हम ट्रेड सेटअप लेते हैं कि प्रैक्टिकल में उतना वो होगा ये जरूरी नहीं तो इसके लिए हमें रिक्स टू रिवार्ड का रेशो का भी यहाँ पर ख्याल रखना होता है और यहाँ पर कोई क्लियर इंडिकेशन फाइव मिनट के चार्ट में नहीं देखने को मिला ना ही हमें टेन मिनट के चार्ट में कोई क्लियर इंडिकेशन देखने को मिला यहाँ पर जब प्राइस बहुत ही तेजी के साथ टेन मिनट के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो नीचे आया और नीचे लगभग इसमें फर्स्ट लो बनाया था 837 का एंड सेकंड लो बनाया अब तक 834 का यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो प्राइस फिर से यहाँ पे जो एक फ्रेश डिमांड जोन बनाया है टेन मिनट्स का इसको रिटेस्ट करने के लिए प्राइस फिर से नीचे आ रहा है तो इस तरीके से हम जो डिमांड सप्लाई बेस है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और ट्रेड सेटअप आपको देते हैं अगर आपको इस तरीके के ट्रेड सेटअप चाहिए जिसमें आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पता हो एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग पता हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा और जस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस तरीके से ट्रेड को प्रीफर करते हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेड तो इसका जो आपको कॉस्ट आएगा वो है ओनली फिफ्टी नाइन रुपीज़ पर मंथ अगर आप स्विंग ट्रेड को प्रिफर करते हैं तो इसका कॉस्टिंग आएगा आपको ओनली एटी नाइन रुपीज़ पर मंथ और आप इंट्राडे स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड इन तीनों ट्रेड को प्रिफर करते हैं तो आपको कॉस्ट आएगा वन नाइन्टी नाइन पर मंथ